अब सामने देखो रेड वाली मेरी पतंग है, पीछे से एक पतंग अटका रही, देखो ये आई। अबे यार चक्कर देने हम यहाँ पे, चक्कर पे चक्कर, देखते हैं आती नहीं आती। ये पतंग आ गई भाई, आ गई, देखो डोर आ गई पतंग की, लाते हैं अपने घर की तरफ दिखाते। अबे निकल ना जाए, वो देखो ये लपेट ली अपने पहली पतंग, एक और पतंग अटका रही पीछे से। वो भाई ये भी देखो चक्कर देने आपको ऐसे, और चक्कर तो दे दिए पतंग, देखते हैं क्या होगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइट लवर ऑफिशियल। आज की वीडियो होने वाली काइट कैचिंग के ऊपर, पतंग पीछे से कट के आ रही काफ़ी ज़्यादा, पतंग लपेटे के दिखाएंगे एंड तक। और देखो ये पूरी पतंग के चौक में लेकर आ गए हो, रेड वाली के एम नाम से इसमें लेटर लिखा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या किसी का कोई स्पेशल नाम आता है एम से, कमेंट कर देना अगर किसी का कोई स्पेशल नाम हो एम से। बाकी हम करते हैं इस पतंग को पार और लपेट के दिखाते हैं दोस्तों की पतंग। चलो भाई, एक चीज़ अच्छी हुई कि जो सोए हुए पतंग के खिलाड़ी थे ना, वो जागने लगे, क्योंकि थोड़े बहुत वीडियो में व्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब उत्तरायण काफ़ी नज़दीक है, आप लोग को पता ही है। तो जिन लोगों ने पतंगबाजी छोड़ दी थी, वो दोबारा पतंगबाजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपके लिए रोज़ मैं नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा, बस आप पतंगबाज दोस्तों में अपने शेयर करते रहना वीडियो। तो पतंग हमने कर ली है पार, थोड़ी सी आज हवा कम है, लेकिन पीछे से पतंगें कट के आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मेरी तरफ हो रही है काइट फाइटिंग। क्लब वालों की भी लड़ रही पतंगे और छोटे छोटे बच्चे भी उड़ा रहे हैं। तो जो भी पतंग कट के आएगी लपेट के हम आपको दिखाते हैं। अब भाई पीछे से पतंग कट के आ रही है, मैं जल्दी से पतंग को अपनी पहले हवा में रखता हूँ, और ज़्यादा लंबी भी अपने को पतंग नहीं करनी है, वरना वो निकल जाएगी। देखो ये आ गई, अब यार निकल गई। अरे यार चक्कर पे चक्कर, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पतंग आएगी नहीं आएगी। भाई फंस गई, देखो पतंग फंस गई, हमने लपेट ली। और ये भाई, ये देखो पतंग पहली हमने लपेट ली है, कमेंट कर दो भाई इसी बात पे, पतंग लपेट ली हमने पहली। अब देखो इससे हमने लपेटी थी, ये पतंग थी एम वाली, और पतंग ये गिर गई थी। अब मेरी तरफ ये बात का बहुत फ़ायदा है कि पेड़ वेड़ में पतंग मैं छोड़ देता हूँ, ऐसी इधर से कोई डर नहीं है पतंग जाने का। निकला, ये देखो भाई, और क्या शानदार पतंग है यार, देख रहे हो आप, मतलब डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना है इसमें। डबल मांग की पतंग है ये, और मंजोली पतंग, और मंजोली पतंगों में ऐसी डबल मांग बहुत कम देखने को मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये टेपिंग देखोगे ना आप, तो मतलब किसी अच्छे लड़ाने वाले बंदे ने पतंग लड़ाई है, टेपिंग फुल ऑन टेपिंग कर रखी है। और मांझा आप देखोगे तो मुझे तो पांडा लग रहा है, बहुत मोटा मांझा यार, शायद पांडा ही मांझा। तो पांडा मांझा से ये पतंग लड़ी थी, हालांकि कट गई, देखो सारा मांझा कटता है, पांडा मांझा भी कटा, पतंग कट के हमारे पास आई। तो जो लोग कहते हैं ना पांडा मांझा अच्छा होता, तो भाई देख लो सारा मांझा कटता है। अब यार मैं कहाँ कहाँ पर देखूँ यार, मेरे सर के ऊपर काइट फाइटिंग हो रही है क्लब वालों की। अभी भाई जल्दी से कोई पतंग कटे, अपने लोग लूटे, ये डाला उसने, पेज फंसा, दोनों चक्कर देना है भाई, पेज फंस गया, दोनों चक्कर देना। अब वो कटी नीचे वाली, अरे थोड़ी सी उधर को चले गई, अगर इधर को आ जाती ना तो हम ये भी पकड़ लेते। चलो भाई हम ज़्यादा देर नहीं करते, अपनी दोबारा से पतंग पार करते और लपेट के दिखाते हैं आपको फिर से। काइट फाइटिंग देख लो भाई, मज़े ही मज़े हैं आज की वीडियो में। अब देखो फिर से मैंने पतंग अपनी पार कर ली, पीछे से पतंग कट के आ रही है, आ जा भाई। अरे यार बहुत देर में आती है पतंग, आ रही है घूम के, देखो आसमान में रही, ये चक्कर दिए मैंने, चक्कर पे चक्कर, निकल गई ये वाली, निकल गई पक्का। नहीं यार निकलने नहीं देना इसे निकलने नहीं देना पतंग को। आ गई फाइनली, हमें लगा निकल गई जाएगी, लेकिन पतंग हमने लूट ली वाली। अब देखो भाई, जो भी बंदा पतंग लेकर आया ना, काफ़ी डिजाइनर पतंग लेकर आया, पहले हमने लूटी वो वाली थी अपनी मांगदार, डबल मांग की पतंग थी, वो कट के आई, और अब एक और पतंग कट के आई है, इसमें ये मांग है और बीच में गिलहरा है, लेकिन एक दिक्कत है, ये पतंग पक्का बच्चे ने उड़ाई है, आप देख सकते हैं। ये देखो कन्ने आपने देखे, आधे मांझे से बंधे आधे सद्दी से बांध रखे। अब भाई ऐसी बेवकूफ़ी आप लोग क्यों करते हो, अब ये पतंग हवा में उड़ेगी और ये कट जाएगा। पतंग में देख लो मछली वसली बनी है इसमें, क्या ही है ये, पढ़ लेना भाई किसकी पतंग है। और चालू पतंग लग रही है मुझे, यहाँ चालू ही है,
लेकिन ऐसी गलती आप लोग मत करना, जो ये करने है ना इसे आप मांझे से मत बांधा करो। मैंने हर बार बताया है कि मांझे से बांधने में कोई फ़ायदा नहीं, पतंग उड़ेगी, कन्ने खुल जाएंगे, पतंग या तो आपकी कहीं पे फंस जाएगी या फिर पतंग आपकी कट जाएगी। चलो भाई भाई, एम का फ़ायदा हुआ हमें, एम वाले लेटर का फ़ायदा हुआ, बहुत पतंग लपेटी आज हमने। अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई ना, हवा थोड़ी सी चेंज हो गई, मतलब अभी हवा चल रही थी, पतंग मेरे घर की तरफ कट के आ रही थी, सामने देखो एक और पतंग कट के आ रही है, वो जूम करता हूँ मैं, लेकिन अब थोड़ी सी हवा साइड में हो गई है, तो पतंगें जो पहले मेरे घर की तरफ कट के आ रही थी वो थोड़ी सी साइड में चले गई है। ये देखो आप, अभी भी कुछ पतंगें उड़ लेंगी, तो देखते हैं अगर और भी कोई पतंग कट के आती है वो भी लपेटते हैं, दिखाते हैं। अब यार बहुत देर हो गई थी, पतंग वतंग तो कोई कट के आ नहीं रही थी, तो हमने सोचा हम अपनी पतंग पार कर ले रहे हैं पेज भी लड़ाने के लिए, तो पतंग मैंने पार कर दी काफ़ी लंबी, देखो मेरी पतंग वो रही और मेरे सर के ऊपर अपोनेंट की पतंग ये रही, तो ये बंदा पीछे से पार करता है, जैसे ही आता हमारे पास दिखाते लड़ा के। तो यहाँ पे पेज चल रहा हमारा पहला, जो पतंग आपको राइट साइड के अंदर दिख रही है मेरी पतंग, नीचे से लड़ाऊँगा मैं, और हमारा अपोनेंट भाई पतंग नीचे ही नहीं पटक रहा है वो बंदा। ये तो मेरी पतंग है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अपोनेंट की पतंग अभी हवा में ही है। आजा भाई नीचे ले आ, कब लाएगा, वो देखो वो रहा हमारा अपोनेंट, ये बंदा हमसे पीछे से लड़ा रहा है पतंग। और नीचे बुलाया, सीधी खींची हमने, सीधी खींची बाहर की पतंग निकली, और ये काटा ताकत का पेच, बहुत दिनों के बाद नहीं, बहुत दिनों के बाद नहीं, कल हमारी पतंगें कट रही थी ना ताकत के पेज में, आज हमने काट दी पहली पतंगी, तो एक पतंग काट दी है, वेट करते और कोई लड़ाने लाता है दिखाते। आजकल दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमें वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक पतंग काटी, एक और बंदा हमसे लड़ाने आ गया, तो रेड सर्किल में मेरी पतंग ने नीचे लड़ा रहा हूँ मैं, ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल अंदर, ये बंदा लेफ्ट एंड साइड से, सेकंड पेज आज का। डबल बनाऊंगा यहाँ से, नहीं नहीं बच गया यार, यहाँ से अगर वो मैं फंदा डाल लेता ना तो डबल का पेज बन जाता यहाँ पे। ये बंदा भी हमसे पीछे से, और इसकी डोर एकदम मेरे सर के ऊपर आने वाली है, अगर थोड़ा सा ये और भी हाथ की तरफ आया, बचाई पतंग, अबे कहाँ गया, पतंग नहीं दिखी थी मुझे, फिर बचा ली। आप देखो इस बंदे की डोर एकदम मेरे सर के ऊपर चल रही है, फिर उसकी पतंग गायब हो गई, मैंने सीधी खींच दी बाहर की खींची, उसने भी आर पार की खींची, कट गई। अब ये वाला पेज मेरा इसलिए कटा, मुझे उसकी पतंग ही नहीं दिखी कहाँ गई, और एंड में हमारी पतंग कट गई। तो मेरे भाइयों कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, यहाँ तक देखिए, पसंद तो आई होगी, लाइक क्यों नहीं करो भाई, लाइक करो, आ गया उत्तराण यार, रोज़ ऐसी वीडियो दूंगा, बस लाइक करते जाओ और कमेंट कर देना, थोड़ी सी रीच बढ़ेगी हमारी वीडियो की।